मनीष सिसोदिया के निवास स्थान पर बैठी हैं। देखो कैसी विडंबना है, कल करवा चौथ का व्रत है, आइए इनसे बात करते हैं कि जो इनकी मांग है और ये करवा चौथ से एक दिन पहले जो इन्हें अपनी तैयारियां करनी चाहिए थी घर के अंदर और आज ये यहाँ रोड पर बैठी हुई है, सड़कों पर बैठी हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सर सुनीता है, मैं पिछले 10 साल से ICDS में काम कर रही हूँ और मुझे अचानक से डिपार्टमेंट ने 25 तारीख को मैसेज भेज के निकाल दिया कि आपको 30 तारीख को नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। तो बताइए सर, ये डायरेक्टर भी हमारी महिला हैं और महिला डिपार्टमेंट है और हम भी महिलाएं हैं, डायरेक्टर ने हमें रोड पे बिठा दिया है और एक तरफ हमारे बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी ने ये वादा करके कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोगों को पक्का करेंगे, इधर कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला गया कि मिनिमम वेज पे काम करने वाले कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, उसका PF का खर्चा भी सरकार देगी। तो सर हम जान सकते हैं, हमने पिछले 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमने अपने करवा चौथ पे भी निर्णय लिया कि हम सब महिलाएं यहीं आएंगे, दिवाली पे भी यहीं आएंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम सब लोग यहीं बैठेंगे और ये हमारी नौकरी पे हम 60 लोगों को निकाल दिया गया, हमें वापस लिया जाए और हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वापस डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाए और हमारी डायरेक्टर शिल्पा शिंदे से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने महिलाओं से पहले तो हमसे मिलने से के लिए इनकार कर दिया और उसके बाद बड़ा ही रूडली व्यवहार था उनका और वो बड़ी गंदे तरीके से हमसे बात कर रही थी जो हमें मिलने का समय। क्या सर हम पिछले 10 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्या हमारे अफसरों को हमारे लिए 2 मिनट का समय नहीं मिलने के लिए या हमारी तरफ से क्या वो नेता लोगों को बोल नहीं सकते कि हमारा स्टाफ इतने साल से इतना अच्छा काम कर रहा है, आप इनको परफॉर्मेंस इनकी परफॉर्मेंस ली जाती है, हमारी परफॉर्मेंस भी ली जाती है सर, हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको धमकियां मिलती हैं कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपको और जो परमानेंट काम करते हैं उनका कुछ नहीं होता। मतलब कल करवा चौथ है और आप कह रही हैं कल भी हम आएंगे, तो एक तरफ ये व्रत शायद इसलिए रखा जाता है कि बच्चों को या पति की लंबी आयु के लिए, एक तरफ यहाँ रोजी रोटी की बात है, एक तरफ पति की आयु की बात है, तो आप दोनों में से कैसा अभी संभव है? सर ये संभव है जब पति की लंबी उम्र के लिए तो हमारे अंदर मन में भावनाएं हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी छीन ली जो सरकार ने, हमारी डायरेक्टर शिल्पा शिंदे ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसके लिए पेट का भी तो मामला है ना सर, बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए आजकल महंगे महंगे स्कूल हैं, इतना पैसा लगता है, एक आदमी की कमाई से घर खर्चा नहीं चलता, आप भी सोचते होंगे कि कंपनियों में काम करने वालों को कितना वेतन मिलता है, तो कुछ वेतन हम कमाते थे तो हम अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाते थे, तो आज हमारे तो मतलब गरीबों का ये सरकार सोच नहीं रही, मुझे ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि इनको हम लोगों को निकाला जा रहा है दूसरे लोगों को बुरा। और सर एक सवाल मेरा ज़रूर है, हमने DSSB से भी RTI लगाई कि ये आप लोगों ने फेक सिलेक्शन किए हैं, हमने अपनी डायरेक्टर मैडम को भी बोला कि मैडम इसकी जानकारी लीजिए आप DSSB की कि ये फेक सिलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हमने RTI का 40 दिन से DSSB ने कोई जवाब नहीं दिया और जो मापदंड हैं उस मापदंड के अलावा यहाँ पे सुपरवाइजर रखी जा रही हैं और यहाँ पे सुपरवाइजर की रखने के बाद भी सीटें हैं फिर भी हमें निकाला जा रहा है, हम ये सवाल करना चाहते हैं डिपार्टमेंट सीट होने के बाद हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमारी क्या गलती थी, क्या हमने 10 साल से सेवाएं देके इस डिपार्टमेंट को गलत किया था, क्या हम ग्राउंड लेबर पे झुग्गियों में काम करते हैं, गली गली में जाके हम आम आदमी की सेवा करते हैं, तो क्या हमारा ये इन्होंने हम लोगों को इनाम दिया है, ये हमारे मेडल लगाए हैं इन्होंने,